हेलो गाइस, कैसी है मेरी हाइब्रिड आर्मी? क्या बोलते, कैसा है लोकेशन आज का? बहुत सूखा सूखा है, बट अभी क्या करें, समर टाइम चल रहा है तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा। पर बहुत ब्यूटीफुल सो एक बार फिर से आपका वेलकम द सोशल हाइब्रिड में। आज बातें करेंगे कुछ और एफएक्यूज़ के बारे में, जो मेरे पिछले एफएक्यूज़ का वीडियो है, आपने अगर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल रहा हूँ आपके लिए, वो आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है? और अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उधर मुझे पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर करने का ट्राई करूँगा। और जो उसके बाद वो एफएक्यू उसके वीडियो के बाद जो मुझे क्वेश्चंस आए थे एक्स्ट्रा, और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाने की सोची थी, तो आज हम वही करने वाले हैं। आज और कुछ एफएक्यूज मैं आपके आंसर करने वाला हूँ, तो आज थोड़े टाइम की कमी की वजह से अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम लोग उधर ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। चलो लेट्स गो। ओके, तो फटाफट बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोड पे पहले निकल जाएं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कि इसका एक्चुअल माइलेज क्या है, ऑनेस्टली बताइए। तो देखो दोस्त, मैं तो ऑनेस्टली ही बताता हूँ, जो भी कुछ चीज़ें हैं मैंने आज तक जो बताई हैं आपको मेरे व्लॉग्स में, सब कुछ मैंने ऑनेस्टली ही बताया है। मुझे कोई कुछ किसी कंपनी से पैसे नहीं मिलते हैं ये सब बताने के, जो है वही मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरी बर्गमैन मुझे 55 देती है, और जब आप कोई भी नया व्हीकल लेते हैं तो उसका एक इंजन ब्रेकिंग पॉइंट होता है। अगर आपको पता नहीं है इंजन ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट 2000 किलोमीटर्स तक आपको ब्रेक का ज़्यादा यूज़ ना करते हुए एक्सेलरेशन के ऊपर ही आपको आपकी जो भी स्कूटर है या फिर जो भी आपका व्हीकल है वो एक्सेलरेटर के ऊपर ही आपको कंट्रोल करना है। ज़्यादा ब्रेक्स नहीं मारने हैं और ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है फर्स्ट 2000 किलोमीटर्स के लिए। तो उसमें से आप फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स 45 के नीचे रह के चलाएं, और देन नेक्स्ट 1000 किलोमीटर्स आप 50 to 55 के अराउंड चलाएं। तो इससे क्या होता है, आपका इंजन हेल्दी रहता है और माइलेज भी आपको आपका इंजन अच्छा देता है इसके बाद में, क्योंकि इंजन का वैसा ऑयलिंग हो चुका होता है ब्रेकिंग पॉइंट तक अगर आप ठीक से चलाते हैं तो। बाकी यूट्यूबर्स अगर कुछ कह रहे होंगे कि इसका माइलेज थोड़ा कम है, और बाकी अगर यूज़र्स आपके अगर कुछ होंगे पहचान वाले लोग, अगर वो भी आपको बोल रहे होंगे कि इसका माइलेज इतना नहीं है, तो आप उनसे एक बार ये पूछ लीजिए कि उन्होंने फर्स्ट 2000 किलोमीटर्स में इसे ज़्यादा दौड़ाया था क्या, या फिर वो राइड कैसे करते हैं, वो रेस्पॉन्सिबली राइड करते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा रेव करते हैं, एक्सेलरेटर बहुत ज़्यादा
खींचते हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं जिससे माइलेज अफेक्ट हो सकता है। अब वो आपके राइडिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, आप कैसी आपकी व्हीकल राइड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो ये सारे फैक्टर्स आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे एक व्यूअर ने पूछा था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपकी हाइट अगर शॉर्ट है तो आप बर्गमैन ले सकते हैं या नहीं। यहाँ पर मुझे एक व्यूअर ने पूछा हुआ है कि इनकी हाइट 6 feet plus है, ओके, और ये पूछ रहे थे कि इनको बर्गमैन सूट होगी या नहीं। तो बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी सूट। बर्गमैन की लेंथ बहुत अच्छी है, बर्गमैन अच्छी खासी बल्की है, दिखने में बहुत खास है, तो बिल्कुल सूट होगी बर्गमैन। और अगर आपका बजट थोड़ा और ज़्यादा है, अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप एप्रिलिया के लिए भी जा सकते हैं, एप्रिलिया SXR 125, वो भी अच्छे खासे डायमेंशंस है उसके। और फ्यूल टैंक उसका 7.5 का है, इससे थोड़ा ज़्यादा है फ्यूल टैंक कैपेसिटी उसका। बट बर्गमैन में जो है, हमारी बर्गमैन में लो एंड टॉर्क अच्छा है। स्पेक शीट में आप चेक कर लीजिए, मैं आपको उससे बोर नहीं करूँगा, बट लो एंड टॉर्क इसका अच्छा है, तो राइडिंग कंफर्ट मिल जाता है इसमें। और जो ख़राब रोड्स होते हैं या फिर जो ट्रेल राइडिंग मैं करता हूँ, छोटी मोटी ट्रेल्स जो मैं करता हूँ राइडिंग, उसके अंदर बहुत हेल्प मिलती है लो एंड टॉर्क की, ठीक है। तो आपका बजट अगर ज़्यादा है थोड़ा, तो आप एप्रिलिया के लिए भी जा सकते हैं, बट वही है, उसका बजट थोड़ा ज़्यादा है, 2025 की आपको थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। और लुक्स भी बहुत मॉडेस्ट है उसके, नथिंग फैंसी, इट इज़ अ गुड चॉइस, गुड अल्टरनेटिव, आई मीन, ओके। सो आप डिसाइड कीजिए आप किस तरफ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था मेरे व्यूअर ने कि इसका सेंटर स्टैंड जो है, क्या वो बहुत लो हैंग करता है कि हमारे इंडियन रोड्स पे उसे चलाने के लिए प्रॉब्लम आ जाए, मतलब बीच में अगर कोई पत्थर वत्थर आ गया तो कोई प्रॉब्लम होती है, सेंटर स्टैंड अगर लो रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट ऐसा नहीं है, सेंटर स्टैंड इसका इतना भी लो नहीं है, और मैं इसे बहुत रफ़ कंडीशंस में लेकर गया हूँ। आपने मेरे मोटर व्लॉग्स देखे नहीं होंगे तो देख लीजिए, बहुत रफ़ टेरेंस पे मैं लेके गया हूँ इसको। इतने ज़्यादा भी रफ़ टेरेंस पे नहीं लेके गया हूँ, क्योंकि ये आफ्टर ऑल इट्स अ मैक्सी स्कूटर, इट्स अ टूरिंग स्कूटर, इट्स नॉट अ टूरिंग बाइक, ओके। सो इसके कंडीशंस के हिसाब से ही आप इसको लेकर जाइए, जहाँ पर भी लेकर जाना है रेस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाइए, ओके। आप अगर बोलेंगे कि आपको बहुत ज़बरदस्त वाली ट्रेल राइडिंग करनी है इसके ऊपर, तो वो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है, पर छोटी मोटी ट्रेल्स तो ये आराम से हैंडल कर लेती हैं। आप मेरे मोटर व्लॉग्स देख लीजिए, उसके अंदर मैंने बहुत सारी ट्रेल्स राइड की हैं अभी तक, तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी ट्रेल राइड्स के लिए ये फिट है बर्गमैन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इसके रियर व्हील के बारे में पूछा था मेरे एक व्यूअर ने कि इसका रियर व्हील बहुत नैरो है, और ये अगर ज़्यादा नैरो है तो ये स्किड कर जाती है क्या। लेकिन रियर व्हील इतना भी इसका नैरो नहीं है कि इसे चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाए। देखिए, कंपनी जो है वो कोई भी प्रोडक्ट उसका लॉन्च करने से पहले उसके बहुत सारे टेस्ट करती है, जो भी उसके स्पेसिफिकेशंस में अपनी बर्गमैन बनी हो या फिर कोई भी व्हीकल बना हो, तो उसके स्पेक्स, सारे स्पेक्स उसके चेक किए जाते हैं, और उसके बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, और हर एक टेरेन में होते हैं, हर एक रोड कंडीशन पे होते हैं। तो आप अगर इसे रेस्पॉन्सिबली चलाएंगे, आप अगर वेट रोड कंडीशंस में स्पेशली इसे आराम से चलाएंगे और ज़्यादा ब्रेक्स नहीं अप्लाई करेंगे,
फुल स्पीड में अगर आप वेट रोड कंडीशंस में चलाएंगे और आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, और आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो स्कूटर है वो स्किड ना हो, तो उसके साथ मैं क्या आर्ग्यू करूँ अभी, वैसा तो नहीं हो सकता ना। ओके, तो रिस्पॉन्सिबली चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इतना भी नैरो नहीं है इसका रियर व्हील। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन के ऊपर अभी आते हैं। इसके नेविगेशन बार के बारे में मुझे क्वेश्चन आया था कि एक व्यूअर ने पूछा था कि समझ लीजिए आप नेविगेशन ऑन करके अगर चला रहे हैं और नेक्स्ट 1 किलोमीटर में आपको टर्न लेना है, इसके स्क्रीन के ऊपर आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो में नेविगेशन का एक वीडियो बनाया था मैंने, वो आप चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नेविगेशन बार होता है एक, जहाँ पर आपको इंडिकेशंस मिलते हैं कि कहाँ से टर्न लेना है, उसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बार होता है जो 500 मीटर से कम होना शुरू हो जाता है। ओके, 500 मीटर्स ये याद रखिए। तो आपका ETA बताता है आपको कि आपको कहाँ से टर्न लेना है, कितने डिस्टेंस से आपको टर्न लेना है, ये आपको पता चल जाता है आपके डैश पे, तो वो आप ध्यान में रखिए। और 500 मीटर्स अगर जब रहेंगे तब उस बार के ऊपर आप स्पेशली ध्यान रखिए, लेफ़्ट साइड में जो बार है वो जब तक पूरा ड्रेन आउट नहीं हो जाता है तब तक उसके ऊपर ध्यान थोड़ा देना पड़ता है, और जब वो फुल ड्रेन आउट हो जाएगा तब आप जो करेस्पॉन्डिंग आपका टर्न है वो ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन रह गया था, ये है ब्लूटूथ वेरिएंट वर्सेस नॉन ब्लूटूथ वेरिएंट। एक मेरे व्यूअर ने पूछा था कि नॉन ब्लूटूथ वेरिएंट जो है, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है इसमें जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती है, तो क्या स्टैंडर्ड वेरिएंट मोर वैल्यू फॉर मनी है? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और बहुत ही ऑब्वियस आंसर है कि बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्ड वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ब्लूटूथ वेरिएंट ही आपका वैल्यू फॉर मनी है। व्हाई? कि जब आपको 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर कर अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको उसके अंदर मिल रहा है, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप ही बताइए। आप ब्लूटूथ वर्जन लेना पसंद करेंगे या स्टैंडर्ड वर्जन लेना पसंद करेंगे? सो देयर यू हैव इट। जितने भी क्वेश्चंस, मुझे लग रहा था कि कुछ ये जो क्वेश्चंस है ये इम्पॉर्टेंट है इनके आंसर्स करना, तो वो मैं कर चुका हूँ अभी। आई होप आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिल चुके होंगे अभी तक। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।